नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कुलदीप सिंह राणा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 चैप्टर फर्स्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें आज हम पार्ट 4 देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कल्चरल हेरिटेज की बात करेंगे, हेरिटेज ऑफ कल्चर। तो इंडिया का जो कल्चर है वो डिफरेंट और रिच हेरिटेज रहा है, कल्चरल हेरिटेज को आर्टिफिशियल हेरिटेज भी कहते हैं, क्योंकि कल्चरल हेरिटेज ह्यूमन ने डेवलप किया है, इंसानों से बना हुआ है, तो इसको आर्टिफिशियल हेरिटेज भी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ह्यूमन ने अपनी स्किल, आर्ट, अपने ब्रेन और अपने पावर से जो कुछ भी उसने डेवलप किया है, जो कुछ भी उसने क्रिएट किया है, उसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज ऐसे नहीं हुआ है, उसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, बाहर से आने वाले लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। एंशियंट टाइम की बात करें तो शक, शत्रप, हूण, कुषाण, ये सारे जो जाति के, प्रजाति के लोग इंडिया में आए बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से। मिडल इंडिया की बात करें तो तुर्की, ईरान, अरब, मुगल सल्तनत, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सारे लोग आए। तो वो लोग इंडिया में आए, इंडिया के कल्चर से वाकिफ हुए, हम उनके कल्चर से वाकिफ हुए, एक दूसरे के कल्चर को पहचाना, यानी कल्चर का आदान प्रदान हुआ, तो इससे इंडिया का कल्चर डेवलप हुआ, इंडिया का कल्चर रिच बना और डिफरेंट कल्चर के तौर पे आगे बढ़ा। प्रोटो हिस्ट्री टाइम से ही इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के पीपल्स को कल्चरल हेरिटेज का गिफ्ट दिया है। आज से तकरीबन 5000 ईयर्स ओल्ड टाइम पीरियड में ही इंडिया मॉन्यूमेंट्स स्कल्पचर के बारे में जानता था, और वो मॉन्यूमेंट स्कल्पचर यहाँ से पूरे वर्ल्ड में गया। उसका यहाँ पे दूसरे भी एग्जाम्पल है, जैसे कि सिंधु सिविलाइजेशन की बात करें, जो सिंधु सिविलाइजेशन आज से 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन मानी जाती है, वह सिंधु सिविलाइजेशन में खुदाई के दौरान जो हमें रिसोर्सेस मिले हैं, उससे हमें पता चलता है कि इंडिया का कल्चरल हेरिटेज कितना रिच था। जैसे कि खुदाई में से हमें देवी देवताओं के स्टैचू मिले हैं, एनिमल्स, बर्ड्स के स्टैचू मिले हैं, टॉयज के स्टैचू मिले हैं, उसके अलावा ह्यूमन के भी कई सारे स्टैचू मिले हैं, दाढ़ी सेविंग रखने वाले पर्सन का भी एक स्टैचू मिला है, और उसके अलावा डांसिंग स्टैचू भी मिला है। तो इससे पता चलता है कि 5000 ईयर्स ओल्ड सिंधु सिविलाइजेशन में भी मॉन्यूमेंट्स स्कल्पचर के बारे में कितना वो जानकारी रखते थे और कितना आगे बढ़े थे। और यही बात, यहाँ से ही वो चीज़ पूरे वर्ल्ड में गई। उसके अलावा देखा जाए तो मौर्य टाइम पीरियड में उल्टा लोटस में, लोटस के साथ उल्टा, और उसके अंदर लायन और वुल्फ का स्टैचू बना हुआ है। उसके अलावा सारनाथ में लॉर्ड ऑफ बुद्धा का स्टैचू, उसके अलावा जैन तीर्थंकरों के स्टैचू, और राष्ट्रकूट एंशियंट टाइम में राष्ट्रकूट वंश के जो राजा हो गए, उन्होंने बनाई हुई इलोरा केव, ये सारी चीज़ों का जब हम देखते हैं, तब हमारे कल्चर को जब हम सामने देखते हैं, तो हमें उसके लिए, हमें उससे प्राउड होता है, प्राउड की फीलिंग आती है, और हमें एक तरीके से गर्व होता है, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया है, जो एंशियंट टाइम से ही कल्चर के हिसाब से इतना रिच था। कल्चरल हेरिटेज में टेंपल्स, उसके अलावा मकबरा यानी जो मुस्लिम समाज में जो लोग मर जाते हैं उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं मकबरा। ताजमहल भी मकबरा ही है। उसके अलावा बात करें तो स्तूप यानी बौद्ध लॉर्ड बुद्धा की जो चीज़ों को रख के उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया, उसको बोलते हैं स्तूप। चैत्य विहार यानी धर्मशाला जो बौद्ध रिलीजन्स में होती है, उसको बोलते हैं विहार। और चैत्य यानी बौद्ध रिलीजन्स में जो पेयर करने वाली जगह को बोलते हैं चैत्य, तो चैत्य और विहार। फिर पिल्लर राइटिंग, जो पिल्लर होता है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं पिल्लर राइटिंग, वो चीज़। उसके अलावा पैलेस,
खुदाई में से मिले हुए चीज़ें, और उसके अलावा जो फोर्ट है, जो बड़े बड़े किले होते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कल्चरल हेरिटेज में शामिल होता है। और दूसरी बात कहे तो इंडिपेंडेंस के दौर, इंडिपेंडेंस लड़ाई के दौरान जो जिस तरीके से स्वतंत्र सेनानियों ने ब्रिटिश के सामने जो फाइट किया, लड़े, और उस जगह, वो सारी जगहों को भी कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है, जैसे कि डांडी मार्च वाली जगह, उसके अलावा बारडोली, उसके अलावा साबरमती आश्रम, शांति निकेतन, वर्धा, ये सारी, दिल्ली, ये सारी जगह जहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए फाइट हुई थी, ब्रिटिशों के सामने हम लड़े थे, वो भी कल्चरल हेरिटेज में उसको शामिल किया गया है। तो ये सारे कल्चरल हेरिटेज जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें कल्चरल हेरिटेज में, फिर से बता दो, टेम्पल, पैलेस, मस्जिद, मकबरा, स्तूप, चैत्य विहार, पिल्लर राइटिंग, फोर्ट, ये सारी ओल्ड एंशियंट टाइम के वेल, लेक, उसके अलावा तोरण, तो ये सारी चीज़ें कल्चरल हेरिटेज में शामिल होती है। तो हमारा कल्चरल हेरिटेज इतना सारा डिफरेंस जिस तरह से है, इतना तो पूरी दुनिया में नहीं है, इसलिए हमारा कल्चरल हेरिटेज रिच कहा गया है, और इसी से हमें प्राउड होता है। शोध इंडिया से ही हुए हैं, जैसे लैंग्वेज डेवलप इंडिया से हुआ है, लिपि इंडिया से डेवलप हुआ है, मैथमेटिक्स और शून्य का शोध भी इंडिया से ही स्टार्टअप हुआ है, और आगे जाके वर्ल्ड में उसका एक्सपांड हुआ है, और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और रिलीजियंस शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मिनरल्स का नॉलेज, मेटल्स का नॉलेज, आयरन का नॉलेज, वॉर का नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से ही उसका स्टार्टअप हुआ है, इंडिया से वो आगे जाके पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैला है। तो इससे हमें कितना प्राउड होता है कि हम सब इंडिया के हैं, और इंडिया से ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ी है। तो इंडिया ही मेन प्लेस है जहाँ से ये स्टार्टअप हुआ है, तो इसलिए हमारा कल्चरल हेरिटेज को रिच माना गया है, जिससे हम सबको प्राउड होता है। के हेरिटेज प्लेस की बात करें तो एंशियंट टाइम के सिंधु सिविलाइजेशन के कई सारे प्लेस गुजरात में भी पाए जाते हैं, जिसमें बात करें गुजरात के लोथल, लोथल सिंधु सिविलाइजेशन का प्लेस है, वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दौड़ावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रंगपुर सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये सारे प्लेसेस सिंधु सिविलाइजेशन के प्लेसेस है जो गुजरात में पाए जाते हैं। उसके अलावा गुजरात के अदर प्लेस की बात करें तो वड़नगर में कीर्ति तोरण, तारादेवी समाधि, शर्मिष्ठा तालाब, मुनसर तालाब, मलाव तालाब, उसके अलावा बात करें तो अहमदाबाद में जामा मस्जिद, हटीसीना डेरा, झूलता मीनारा, रानी सिपड़ी की मस्जिद, कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर, पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब, सहस्त्र, उसके अलावा रानी की वाव, और रिलीजियस प्लेस की बात करें तो अंबाजी सापुर, फिर पावागढ़ में आया हुआ महाकाली माँ का टेम्पल चापनेर में पावागढ़ में पड़ता है। उसके अलावा बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ में है, शारदा पीठ गुजरात में है। उसके अलावा बात करें तो गिरनार, फिर पालीताना, ये सारे जैन रिलीजन्स के प्लेस है, शेत्रुंजय जिसको बोलते हैं, पालीताना शेत्रुंजय, तो रिलीजन्स प्लेस भी है, पर्यटन टूरिज्म प्लेस भी है, जैसे कि पोलो फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो फेस्टिवल का काकरिया कार्निवल होता है, अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है, और उसके अलावा बात करें तो मांडवी में रणोत्सव होता है, डेजर्ट सफारी होती है। तो इस तरह से गुजरात में कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और उसके अलावा बात करें तो टूरिज्म भी
गुजरात में बहुत अच्छा बढ़ा है। एंशियंट प्लेस भी गुजरात में कई सारे पाए जाते हैं। और बात करें तो फेर, तो गुजरात में तरणेतर का फेर जो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भवनाथ फेर जो शिवरात्रि के दिन लगता है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा बात करें वोठा का फेर जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वोठा का फेर लगता है, मेला लगता है। तो इस तरह से फेर मेले लगते हैं। तो मेले का चार्ट बुक में दिया हुआ है कौन सा फेर किस टाइम में लगता है और कहाँ पे लगता है, उसका डिटेल्स बुक में दिया हुआ है, उसको आप सबको ओरल करना है। तो आज कल्चर हेरिटेज का टॉपिक यहाँ पे पूर्ण होता है। कल के पार्ट में हम ह्यूमन कास्ट के बारे में देखेंगे, ह्यूमन जाति के बारे में। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।